प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुआ मतदान, सीएम भूपेश बघेल ने किया मतदान। कोरिया में नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर हुआ भ्रष्टाचार, कांग्रेस नेता ने निगम अधिकारियों के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। रायपुर में सीएम भूपेश ने किसान के खाते में पहुंचाई राशि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसानों को किया संबोधित। कोरिया में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का हुआ शुभारंभ, 20 अक्टूबर तक चलेगी खेल प्रतियोगिता। भूपेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, नई धान नीति को मिली मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि ऑनलाइन पहुंचाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली का त्यौहार नजदीक है और आप सभी के खाते में राशि आने से आप लोग त्यौहार अच्छे से मना सकेंगे। रायपुर में कांग्रेस की अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 307 कांग्रेसी मतदान में हिस्सा लिए, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे यहां लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो मैंने भी गुप्त मतदान किया है। चुनाव हो रहा है और जिसमें सारे पीसीसी डेलीगेट मतदाता हैं और मतदान कर रहे हैं, मैंने भी मतदान किया है। 2 कैंडिडेट हैं, 2 में से 1 को देना था और लेकिन ये गुप्त मतदान है, मैंने भी गुप्त मतदान किया है। अभी देखिए काउंटिंग हुआ था, बताएंगे, मतदान चल रहा है इसलिए कुछ बात नहीं होगी। गुप्त मतदान है, मैंने भी मतदान किया है। कोरिया नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए दीवारों पर वॉल पेंटिंग किया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार किए जाने का एक अनोखा मामला सामने आया है। इस मामले में कांग्रेस के नेता पूर्व महापौर और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ने निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर महापौर कंचन जायसवाल ने पलटवार किया है। चिरमिरी नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता सर्वेक्षण के वॉल राइटिंग में 2020 में जो वॉल राइटिंग हुआ था उसके शून्य को मिटाकर पहले 1 जोड़कर 2021 का पूरा वित्तीय वर्ष को में उसको चलाया गया, फिर 2021 के 1 को मिटाकर 1 के जगह में 2 लिखकर उसको 2022 बनाया और स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार अभियान में तीनों वर्षों में अलग अलग इन लोगों ने बिल का पेमेंट कराया है। और ये स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर खुला बंदरबाट है, खुला भ्रष्टाचार है और ये अपने आप में एक अनोखा तरह का भ्रष्टाचार है कि वॉल राइटिंग पहले से है उसमें केवल 1 अंक का हेर फेर करके इन्होंने पहले 2020 फिर 2021 और अब 2022 में पेंटिंग के नाम पर पैसों का आहरण किया है। जो पहले थे उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया है निगम के ऊपर कि वॉल राइटिंग के लिए जो पैसा निकाला गया है, तो मैं आपके सामने ये आंकड़ा प्रस्तुत की हूँ कि जहाँ पे भी जो भी वॉल राइटिंग हुआ है उसका पूरा नाप जोख करके जो भी हुआ है उसके हिसाब से पेमेंट हुआ है। लेकिन वो जो सतही और इस टाइप का आरोप लगा रहे हैं, या तो वो प्रमाणित करें कि कहाँ पे इस टाइप का हुआ है।
जांजगीर चांपा के बलोदा में एक रेस्टोरेंट के खिलाफ मिली शिकायत के बाद जांच के लिए गए खाद्य अधिकारी से रेस्टोरेंट संचालक द्वारा बदसलूकी की गई और उसके द्वारा किए जाने वाली जांच में अड़चन डाली गई। शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने तंबोली रेस्टोरेंट में पुराने और बासी नाश्ता परोसे जाने की लिखित शिकायत जिला खाद्य विभाग को दी थी, जिसके जांच के लिए रेस्टोरेंट पहुंची, लेकिन तंबोली रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा सैंपल देने से मना किया गया, लेकिन काफी बहस के बाद एफएसओ ने सैंपल लिया और उसे जांच के लिए भेज दिया, जिसके परिणाम आने अभी बाकी हैं। कोरिया जिला बैकुंडपुर के ग्राम अंगा जोन में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 22-23 में कबड्डी, खो खो, ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्सी दौड़ कराई जा रही है, जिसमें मुख्य विभिन्न ग्राम पंचायतों के बालक एवं बालिका भाग लिए। इस आयोजन में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कुल 7 टीमों ने भाग लिया है। बता दें कि ये खेल प्रतियोगिता 20 अक्टूबर तक चलेगी। मैं राजेश कुमार यादव, सहायक नोडल अधिकारी के पद पर मुझे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में नियुक्त किया गया है और हमारे अंगा जोन में 8 ग्राम पंचायत सम्मिलित हैं, मुरमा, अंगा, पूटा, कटकोना, उरुमदुगा, डकईपारा, करियाखंड और चंपाजा। इसमें तीनों वर्ग के लिए 0 से 18 और 18 से ऊपर कबड्डी, तीनों महिला पुरुष और 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, लंगड़ी दौड़, खो खो, गेड़ी दौड़, खो खो, उसके बाद है गिल्ली डंडा, बिल्लस, ये महिलाओं के लिए है, विशेषकर रस्सी, रस्साकस्सी, फुगड़ी, पिट्टुल और संखली, भौरा एवं बाटी। ये हमारे कार्यक्रम 15 अक्टूबर से स्टार्ट है और 20 अक्टूबर तक कार्यक्रम संपन्न होगा और 20 अक्टूबर को ही हम जो विजेताएं टीम रहेंगी उनको पुरस्कार वितरण करेंगे। बिलासपुर रायपुर मार्ग पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से दुर्ग रोडवेज की बस टकरा गई, जिससे बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। तो वहीं घटना की सूचना डायल 112 108 एम्बुलेंस को दी गई, जिनकी मदद से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बता दें कि वाहन चालक वाहन चलाते समय नींद में आ गया, जिससे ड्राइवर ने बस का नियंत्रण खो दिया और रोड किनारे खड़ी ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। ड्राइवर की लापरवाही से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बहरहाल इस सड़क हादसे में किसी की भी मौत की खबर नहीं है। जशपुर के तपकरा वनपरी क्षेत्र के बरकस पाली के पास बिजली करंट की चपेट में आया हाथी आ गया। करंट लगने से हाथी बेहोश हो गया। बता दें कि बिजली के पोल को हाथी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको करंट लग गया और हाथी एक जगह पर कई घंटों से खड़ा है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना अंतर्गत दुराचार के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बता दें कि सरगुजा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में गुंज अभियान चलाकर नाबालिग को बरामद करने एवं आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को घेराबंदी कर आरोपी के घर से नाबालिग बालिका को बरामद किया गया। इस दौरान नाबालिग द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार जबरन दुराचार किया है, तो वहीं आरोपी द्वारा अपने अपराध को स्वीकार किया गया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।